तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग कुछ खास होने वाली है। एंड गाइस, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आपको सही से जवाब देना है। गाइस, एक्चुअल में प्रॉब्लम मेरी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो गाइस मैं आपसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। सो प्लीज़ गाइस, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। एक्चुअल में गाइस, जब आप जो है आप लोगों की राय आती है तो मुझे दिल से थोड़ा सुकून मिलता है। सो गाइस, आज की जो है थोड़ा खासी ब्लॉगिंग होने वाली है। एक्चुअल में ब्लॉगिंग शहर मार्केट की कहीं कि ना घर की होने वाली है। आज मैं आ चुका हूँ अपने खेत में। है गाइस, मैं अपने खेत में आया था खेत को देखने, लेकिन गाइस यहाँ पर आके मुझे रोना पड़ गया। एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ की क्या है, ये आप खुद देख लीजिए और वीडियो में अपनी जो है देखने के बाद अपनी राय जरूर जो है दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक हमारी मोटिवेशन बन जाती है। मतलब आपकी राय जब लाइक आती है तो मुझे थोड़ा बढ़ावा मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर देना। सो है गाइज, आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इन हमारा पशुओं ने चर करके खेतों को नुकसान पहुंचा दिया है। मतलब एक तरह से ज़मीन बैठा हुआ एकदम से चर लिया है पूरी तरह से। सो गाइज, बात यहीं तक हो जाती तो ठीक था, लेकिन अगर गाइज आपको और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े तो आप ज़रूर एक दूसरे से कहेंगे। सो गाइज, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपसे शेयर करूँ वो बातें जो मुझे प्रॉब्लम है। तो गाइज, आप प्रॉब्लम देखिए और अपनी राय जरूर दीजिए। जो भी भाई मेरे छोटे भाई बहन देख रहे हैं वो ज़रूर अपनी राय दें, क्योंकि आज की ब्लॉगिंग खास खेतों की होने वाली है। एक्चुअल में गाइज, मैं ब्लॉगिंग यहाँ की नहीं करता, लेकिन मैं कहीं और जाने मतलब जाकर पूछने वाला भी नहीं हूँ कि किस डॉक्टर से जाके पूछूं कि मेरी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए। सो गाइज, मैंने सोचा कि आपसे ही प्रॉब्लम वो बताया जाए। तो यार, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और वो जो है प्रॉब्लम आप जरूर देखिएगा भाई, और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय का हम आपके कमेंट का मैं इंतजार करूँगा। सो गाइज, पूरा तरह से जो है फसल बर्बाद है, ये देख सकते हैं, चर चर के पूरा बर्बाद कर दिए हैं जानवरों ने। और जो बचा हुआ था, जो थोड़ा बहुत बच भी गया था, उनकी मैं हालत आपको दिखाता हूँ गाइज। मैं इसीलिए आपसे जो है कमेंट, आज मैं कमेंट में पूछना चाहता हूँ उनकी जो है बीमारियों का जड़ मतलब कैसे ख़त्म होगी और वो कैसे ख़त्म होंगे, मतलब वो कीड़े कीटनाशक जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं। सो गाइज, मुझे लगता है कि लगभग ये हमारे खेत में नहीं, हमारे यहाँ लगभग 10-15 खेतों में ऐसे ही हाल है खेतों का। तो गाइज, आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको पता है तो सही सही राय देना प्लीज़ यार। बीमारियों की जड़ तक पहुँचने के लिए हमें धान के फसल के अंदर चलना पड़ेगा। सो गाइज, हम इसके अंदर चल रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा शीत है, ओस है। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि जो ये बीमारियाँ हैं गाइज, ये बीमारियाँ देख सकते हैं, इसको निकाल ही लें, क्या करना है, ये बेकार वैसे ही हो चुका है। ये देख सकते हैं गाइज, जो ये जो कीड़े लगे हुए हैं ये वाले, एक्चुअल में ये कीड़े जो है काटते नहीं हैं, लेकिन ये नुकसानदायक बहुत होते हैं फसल के लिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। पूरी तरह से येलो येलो धान, मतलब पीला पीला धान हो चुका है, इसके बाद ये ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा धान। सो गाइज यार, इसकी कोई जो है दवा आपके पास, या आपके पास कोई सोल्यूशन है, मतलब कोई उपाय है आपके पास, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। एक्चुअल में गाइज, हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं, और भी जो है जानकारी अगर आपको कोई पता है तो ज़रूर बताना मुझे। एक्चुअल में पता नहीं मुझे कौन सी जो है कीटनाशक है, कौन सा रोग है। एक्चुअल में गाइस, देख सकते हैं कि ये कुछ पीला पीला कर करके हैं, और इनके साथ में मक्खियाँ भी, देसी मक्खियाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, और ये मक्खियों के साथ हमें लगता है पैदा होते हैं। और ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से हाथ जो है पीला पड़ गया है, जैसे लग रहा है हल्दी है। सो गाइस, ये कीड़े हैं, आई डोंट नो बट कौन से कीड़े हैं, लेकिन जो है ये पूरी तरह से फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, और इनसे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है धानों को। और ये गाइस जब लगते हैं ना इस फसलों में, तो ये पहले एक 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 पेड़ में लगते हैं और ये पूरी तरह से सभी पेड़ों को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनकी पता नहीं कौन सी नस्ल है, इसे दिखते भी नहीं आपको कि दिख जाएंगे, और ये बस ऐसे पीला पीला करके गांठ की तरह ऐसे थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा करके बड़ा हो जाएंगे, और फिर पूरी तरह से खेतों में पीला हो जाएगा, और उसके बाद में पीला होते होते फिर काला हो जाएगा, पूरी जो पत्तियां भी है ये भी खत्म हो जाएगी, और एक तरह से पूरा खेत काला हो जाता है। एक्चुअल में आज के लगभग 4 या 5 साल पहले एक खेत में बगल वाले में लगा था। सो गाइस, उसके बाद ख़त्म हो ही चुका था, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम इसकी ख़त्म तब हो जाती जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर जो है अगले साल थोड़ा बहुत एक खेत में लगा, लेकिन उसको माइंड कोई किसी लोगों ने किया नहीं। सो अभी इस बार बहुत ज़्यादा हो चुका है गाइज, बहुत ज़्यादा फसल की बर्बादी हुई। एक तो बाढ़ से, बाढ़ के पानियों से जो है फसल पहले ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी, जो बची थी गाइज वो हमारा पशुओं ने बर्बाद कर दिया, लेकिन जो गाइज उससे भी अब बची थी वो इन जानवरों ने, मतलब इन कीड़ों ने बर्बाद कर रखा है। ये वाले देख सकते हैं, ये वाले कीड़े बर्बाद कर रखे हैं गाइज, ये वाले कीड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और मतलब ये जानते हो किस धान में होते हैं, जो धान ज़्यादा मीठा होता है, जैसे मंसूरी हाइब्रिड में कोई भी प्रजाति हो, मंसूरी में कोई प्रजाति हो, इनको इससे मतलब नहीं है, बस इनको जो है ये देख सकते हैं गाइज। अभी आप मत कहना कि आप फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। सो गाइज, ये मैं फसलों को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, जो आप ये गाइज गर्दा देख रहे हैं, ये
ऐसे इसमें येलो कलर का ये निकलता है और ये गाइस ये फसलों को बर्बाद कर रहा है। पीछे देख सकते हैं मेरा पूरा धान है, लेकिन इस पूरे धान में भैया बचाने की कोई मेरे पास दवा नहीं है। या रात में 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे तक हम लोग खेतों में रहते थे, धान को रखाते थे और उसके बाद भी ये जो है हमारा पशु इसको चर लेते थे। अगर 1 घंटे का भी टाइम उन्हें मिल जाता था तो पूरी तरह से ग्राउंड साफ एकदम से पूरा मैं जो है खेत साफ हो जाता था। लेकिन गाइस उससे किसी तरह से हम लोगों ने बचा लिया थोड़ा बहुत करके। पहले तो गाइस बाढ़ से बचाना पड़ा धानों को, और क्योंकि बंधा कई जगह लगाना पड़ा, जो बाढ़ से बच चुके जो थोड़ा बचे हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं बचे, जो तालाब के किनारे वाले खेत थे वो तो सारा कुछ बह चुका, बट जो ये वाले ऊँचे वाले खेत थे उनको तो बाढ़ से किसी तरह से हम लोगों ने बचा लिया। लेकिन भाई बाढ़ से बचने के बाद जो हमारा पशुओं का हाल हुआ भाई पूछो मत, पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद गाइस हुआ यूँ कि जो है हमारा पशुओं से भी जो थोड़ा बहुत बच गया था, ये आप देख सकते हैं जो थोड़ा बहुत हमारा पशुओं से बच गया था उनको ये कीड़े बर्बाद कर रहे हैं गाइस। ये बहुत ज़्यादा दुखनीय बात है। सो गाइस प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर देना, और इन कीड़ों के बारे में जो भी आपके पास सोल्यूशन हो, जरूर जो भी आपके पास उपचार हो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। सो गाइस एक मिनट रुकिए गाइस गाइस गाइस, यूट्यूब से कोई भी रिलेटिव जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जैसे यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं या थंबनेल टाइटल टैग, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अपने ही इसी ब्लॉग चैनल पे आपको सारी जानकारी दे दूंगा। कोई भी यूट्यूब से रिलेटिव जानकारी हो तो बताना। गाइज मैं इतना जल्दी क्यों हूँ, बगल में माता दुर्गा की मूर्ति रखी हुई तो अभी गाना चलने वाला है तो कॉपीराइट का भंडा हो जाएगा। सो प्लीज यार यहाँ पर खेत आप देख रहे हैं वहां पर मूर्ति रखी हुई है माता जी की, सो गाइज भंडा ना हो इसीलिए हम फटाफट थोड़ा जानकारी दे रहे हैं आप। और गाइज कमेंट अपना जरूर दे देना है, प्लीज कमेंट दे देना, क्योंकि मुझे जरूरत है अभी आपके कमेंट की और आपके जो है सोल्यूशन की, क्या आप जो है सोल्यूशन देते हैं। सो गाइस जय हिंद वंदे मातरम।